अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी लड्डू, जो बनाने में तो आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और कैल्शियम, विटामिन, हड्डियों की मजबूती, सर्दी सभी के लिए ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, पम्पकिन के बीज लिए हैं और सनफ्लावर के बीज लिए हैं। क्वांटिटी मैं यहाँ पे किसी की नहीं बताऊँगी, क्योंकि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए। गुड़ है, सूखा खोपरा है, मखाने हैं, खसखस है, गोंद है और बादाम है और रोस्टेड चने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें मैंने इसमें सब डाली है। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर असली घी का यूज़ किया है। आप भी असली घी यूज़ करना, डालडा हो या तेल वगैरह का यूज़ मत करना, क्योंकि असली घी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद यूज़ की है। थोड़ा सा जायफल, सौंठ और दो चार इलायची का पाउडर हमें बनाना है। ये ऑप्शनल है, सिर्फ खुशबू के लिए डाला जा रहा है। आप डालना चाहते हो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमें मखाने सबसे पहले रोस्ट कर लेने हैं। मखाने को हमारा कलर चेंज करना है, हमें लाइट गोल्डन कलर का करना है और हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से तोड़ सकें। देखिए, आप देख सकते हैं मैं मखाने कैसे फ्राई कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है, विदाउट घी मैं सब रोस्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, अब इस पॉइंट पे हमें मखाने निकाल लेना है भाई। अब उसी कढ़ाई में हमें वापस सूखा खोपरा रोस्ट करना है और सूखा खोपरा भी हमें हल्का ही गोल करना है। ज़्यादा करेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। फौरन हमें इसे बाहर निकाल देना। अब इसी में हमें चना रोस्ट करना। चना ऑलरेडी रोस्ट हुआ हुआ है ये, लेकिन हमें थोड़ा हल्का सा इसे रोस्ट कर लेना है, क्योंकि पाउडर बनाने में हमें आसानी हो जाती है। अब इसी कढ़ाई में हमें एक चम्मच घी लेना है। घी में मैंने यहाँ पे गोंद को फ्राई करना है। गोंद को फ्राई आप स्लो आंच पे ही करना, मीडियम और हाई पे आप उसे फ्राई करेंगे तो गोंद अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे स्लो से, एकदम स्लो आंच पे ही अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं गोंद फूल के इतने बड़े हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए और आप थोड़ा दूर रह के गोंद को फ्राई कीजिए, क्योंकि अचानक में गोंद है कभी कभी उड़ भी जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए, केयरफुली आप इसे फ्राई कीजिए। देख सकते हैं गुड़ कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बचे हुए घी में मैंने बादाम, तीनों जो बीज हमने लिए वो और खसखस को फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने एक गलती कर ली थी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सबको एक साथ फ्राई रोस्ट कर लिया था, लेकिन एक साथ रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि बादाम को हमें पीसना है और बाकी इन सबको हमें पीसना नहीं है। तो आप ये गलती मत करना, आप अलग अलग ही सबको रोस्ट कर लेना। यहाँ मैंने सब रोस्ट कर लिया था। अब इसे हमें एक एक करके मिक्सर के जार में अच्छा बारीक पीस लेना है। चलिए मैं पीस के आती हूँ, क्योंकि बीज और खसखस है इन्हें हमें नहीं पीसना है और बाकी सबको हमें पीस लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सबको पीस लिया है, अलग अलग करके मैंने यहाँ पे सबको पीस लिया है। चलिए अब कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में मैंने दो चम्मच भर के घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने जो सब पीसा है ना, जैसे कि चना, मखाने, बादाम, खोपरा, गोंद और तीनों तरह के बीज और जो हमने पाउडर बनाया था, इन सबको हमें अच्छे से सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें इसे रोस्ट करना, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी रोस्ट कर चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में हमें गुड़ लेना है। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए, कितना मीठा खाना है। हमें बाइंडिंग के लिए गुड़ डालना है। गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप खजूर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। आप जितना गुड़ लेंगे उसका आधा पानी हमें इसमें ऐड करना है और गुड़ जब तक घुल जाए उस पॉइंट तक हमें इसे पकाना है। जब गुड़ अच्छे से घुल जाए तो हमने जो पीस के रखे हैं सब इसमें मिक्स कर लेना और अच्छे से हमें एक दूसरे में मिला देना है। अच्छे से हमें मिलाने के बाद ही हमें गैस बंद करना है, इस पॉइंट पे गैस ऑन होना चाहिए। अभी ये हो चुका है, आइए गरम गरम ही लड्डू बनाते हैं। देख सकते हैं मैंने लड्डू बना दिया है। अब बड़ा छोटा जितना आपको, जितना बड़ा बनाना है, जितना छोटा बनाना है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे ही करके मैंने सारे लड्डू बना लिए थे। आप बड़े छोटे सब खिला सकते हैं। इसमें सर्दी, विटामिन, कैल्शियम, हड्डियों की मजबूती, कमर दर्द सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। आप
आप अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये बनाया है ना, आप वैसे भी एक प्लेट में अच्छे से जमा कर ऐसे टुकड़े बना सकते हैं, और लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप लड्डू भी बना सकते हैं। लेकिन ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, आप बनाइए, सर्दी का मौसम है, आपके बच्चे बड़े बूढ़े सबको आप ये दे सकते हैं। और ये हर एक चीज़ जो मैंने इसमें डाली है वो सब फ़ायदेमंद ही चीज़ डाली है, और ये नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों में दर्द रहता है, तो इस लड्डू से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एक लड्डू हमें रोज़ खाना है। इसे ये लड्डू बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आप देख सकते हैं मैंने कितना झटपट ये लड्डू तैयार किए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, घर वालों को खिलाइए, ये मौसम में ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेंगे। और मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।